जिला मंडी के नाचन विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद चौहान ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा पूर्व में गुड़िया प्रकरण को लेकर मंडी में दिए गए बयान और नाचन विधानसभा क्षेत्र में विकास करवाने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए हमला बोला है। सुंदरनगर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विधायक विनोद ने गुड़िया प्रकरण में मुख्यमंत्री के मंडी में दिए गए बयान को प्रदेश को शर्मसार करने वाला बताते हुए मुख्यमंत्री पर सवाल दागा है कि यदि किसी मंत्री की बेटी होती तो भी मुख्यमंत्री यही बोलते कि प्रदेश में छोटी मोटी घटना होती रहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नाचन में विकास करवाने में विफल रही है, क्षेत्र में सरकार द्वारा कोई भी नया काम नहीं करवाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने नाचन में अपने पूर्व दौरे के दौरान फ्लोटा में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, लोट पंचायत के ग्राडीगार्ड में उप स्वास्थ्य केंद्र, नादी स्कूल को अपग्रेड करने सहित विभिन्न घोषणाएं की, लेकिन कोई भी कार्य पूरा नहीं किया गया। वहीं जनता की बार बार मांग के बावजूद हटगढ़ में कॉलेज खोलने, गोहर में आईपीएच डिवीजन खोलने सहित विभिन्न झूठे आश्वासन जनता से किए गए हैं। कांग्रेस सरकार की बात करूं, वैसे तो कांग्रेस सरकार के नेता या इस प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात को विधानसभा के अंदर या विधानसभा के बाहर जहां भी ये बात उठती है विकास के कार्य को लेकर के, इस बात को बार बार कहा जाता है कि हम पूरे हिमाचल प्रदेश में एक समान विकास करते हैं या किया, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार के ऊपर आरोप लगाना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्षों में नाचन विधानसभा क्षेत्र में कोई भी नया काम जो है कांग्रेस पार्टी के माध्यम से या नई स्कीम जो है वो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से शुरू नहीं की गई। हमारे नाचन विधानसभा क्षेत्र का हटगढ़ का जो स्कूल, बहुत प्राचीन बहुत पुराना स्कूल जो है, उस स्कूल में डिग्री कॉलेज को लेकर के एक बार नहीं अनेकों बार यहां से डेपुटेशन उनके पास जाकर के मिला और उन्होंने एक दो बार आश्वासन भी दिया और मैंने विधानसभा के माध्यम से भी, विधानसभा के अंदर जब भी हमारा बजट सत्र होता था तो उस बजट सत्र के दौरान भी मैंने उनसे एक बार नहीं अनेकों बार मैंने इस कॉलेज को लेकर के उनसे अपना पक्ष बड़े मजबूती से रखा, लेकिन इतनी बार कहने के बावजूद भी इस कॉलेज को नहीं खोला गया, क्योंकि यहां पर नाचन विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीता है। शायद इस बात को लेकर के यहां पर न विकास को लेकर के ध्यान दिया गया, न इस कॉलेज को खोला गया।